E49047 के साथ डाउन जेड वी के स्पेशल पे इस टाइम सनावा स्टेशन की लूप लाइट पर ठहरी है और E49047 की बैक लाइट भी ऑन है। एक और ये इंजन E49047 जो है ओनली फिट फॉर गुड्स है, यानी सिर्फ गुड्स ट्रेन के लिए फिट है, एक्सप्रेस ट्रेन की वर्किंग नहीं कर सकता ये इंजन। वैसे तो यानी अगर एक्सप्रेस ट्रेन के साथ इसको लगाया जाए वर्किंग तो ये कर लेगा, गाड़ी तो कैच लेगा, लेकिन इसको जो है एक्सप्रेस ट्रेन पर नहीं लगाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ओनली फॉर गुड्स है, ज़्यादा इसको गुड्स ट्रेन के ही मिलेंगे। ये लेबल लगा हुआ है, ये देखिए अभी आधा जो है नज़र नहीं आ रहा सही तरीके से, ओनली फॉर गुड्स। उस साइड से हो सकता है कि सही नज़र आए, उस साइड से देखते हैं। ये लगा हुआ है लेबल, अक्सर E40 पे आपने देखा होगा, ये देखिए ओनली फॉर गुड्स, यानी इसको जो है 100 में से 100 ट्रिप गुड्स के ही मिलेंगे। हाँ, इसको उस सूरत में एक्सप्रेस के साथ लगाया जाएगा, आप अगर ये किसी ट्रेन के साथ, जैसे आप ये ZVKH के साथ सनावा में ठहरे और 129 की पावर फेल हो जाती है और 129 के लिए मुल्तान तक कोई पावर मौजूद नहीं है, उस सूरत में एमरजेंसी में इस इंजन को लगाया जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन के साथ, अदरवाइज़ ये एक्सप्रेस ट्रेन के साथ नहीं लगेगा, ये जानबूझकर इसको एक्सप्रेस के साथ नहीं लगाया जाएगा। जो भी जी यू फोर्टी पर ओनली फॉर गुड्स का लेबल लगा हुआ हो उसे सिर्फ गुड्स ट्रेन की वर्किंग ही दी जाती है। और इसकी हालत तो वैसे भी नाजुक है बहुत, G40 का इंजन है और इसकी हालत देखिए सारा जो है ये मोबाइल ऑयल जो होता है उसके दाग हैं सारे, ये देखिए ये इंजन का क्लोज लुक देखें, जनरल इलेक्ट्रिक यूनिवर्सल लोकोमोटिव का। मेरे ख्याल में तो ये इंजन G40 के जो है पाकिस्तान में 2017 में आए थे, यानी अब इनको 7 साल हो गए हैं, अब 2024 है ना। फ्यूल देखते हैं G40 947 का कितना बचा हुआ है इस टाइम। नवे वाली पावर की एक बात मैंने नोट की है, इसकी फ्रंट साइड पर इतनी ज़्यादा आवाज़ नहीं होती। तो असिस्टेंट ड्राइवर साइड से इंजन का क्लोज लुक देखते हैं, और ये अक्सर G40 लोकोमोटिव में से ऐसे जो है धुआं निकलता रहता है। मेरे ख्याल में तो थ्रॉटल भी आइडल है फिर भी धुआं निकल रहा है। अक्सर क्या मैंने तमाम G40 जो भी देखे हुए हैं ना, मैंने ये बात नोट की है G40 में से जो है हल्का हल्का धुआं ऐसे निकलता रहता है जब रुके हुए हों। इस टाइम 947 जो है 1000 टन का लोड कैच के आ रहा है, ये ZVKS स्पेशल ट्रेन का एम्प्टी।
ये ZBKH का ZBKH कोच का ZBKH कोच के साथ कपलिंग सिस्टम। आज 128 डाउन मियर एक्सप्रेस का बिफोर टाइम अराइवल हो रहा है सनावा स्टेशन पर। यानी बिफोर टाइम का मतलब जो ट्रेन का एक्चुअल टाइम है, यानी जैसे 6:57 है, तो ट्रेन जो है 6:53 पर सनावा पहुंच रही है, यानी 4 मिनट्स बिफोर। तो बिफोर तो आज ये ऐसे ही होगी ना, क्योंकि इसके साथ मेरा फेवरेट इंजन जो लगा हुआ है आज, यानी जो इंजन मुझे पसंद है हिटाची सीरीज़ का, तो आज वही इंजन जो है 128 डाउन लीड कर रहा है कुंदिया से मुल्तान के लिए। तो आपको तो पता चल गया होगा कि मेरा फेवरेट इंजन कौन सा है। जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ, HPU 20 8040 के साथ आज 128 डाउन आ रही है, और 8040 मेरी जो है दुआएँ कबूल हुई है। मेरी दुआएँ थी कि ये परमानेंट लिंक पर चल जाए किसी तरह से, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये अब परमानेंट लिंक पर चल गया है। यानी कल ये 129 आपके साथ गया था, तो आज 128 डाउन के साथ आ रहा है। 8 नाच वाली पावर 6 ट्रैक्शन मोटर्स पर मुश्तमिल है, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ती है ये पावर, क्योंकि इसका टर्बो सुपर चार्जर जो है वो थोड़ा कमज़ोर है। इस इंजन का टर्बो सुपर चार्जर फेल हो तो वो धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ता है। इसी तरह जैसे 47 वाली और 52 वाली पावरें हैं, RG24 और GMU30, तो आजकल आपने देखा होगा GMU30 के लोकोमोटिव सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं। पाकिस्तान रेलवे के जितने भी लोकोमोटिव हैं उन सब में से ज़्यादा धुआं छोड़ने वाले इंजन जो हैं वो GMU30 के हैं। यानी 3000 हार्स पावर के इंजन 47 वाली पावर हैं कराची शेड की, तो वो धुआं क्यों छोड़ती हैं, उनकी वजह यही है कि उनके टर्बो सुपर चार्जर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं, बिल्कुल भी वर्क नहीं करते वो, जिसकी वजह से अगर 3 नाच भी ड्राइवर लगाए तो धुआं इंजन छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो ऐसे इंजन को की वर्किंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर ड्राइवर के लिए, क्योंकि इंजन फिर फ्यूल बहुत ज़्यादा पीते हैं। इसी तरह RG24 के लोकोमोटिव्स यानी 52 वाली पावर हैं, इनके टर्बो सुपर भी चार्जर भी काम नहीं करते सही तरीके से, ठीक है। तो इनकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं धुएं वाली, तो ये धुआं बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, ठीक है। चाहे इनकी ट्रैक्शन मोटर्स पूरी भी हों, अब 47-23 जो है वो अब शंटिंग पर मुकम्मल तौर पर लगा दिए गए। लास्ट टाइम इधर से गया था डाउन किमाड़ी स्पेशल ट्रेन के साथ, तो 5 नाच ड्राइवर ने लगाए हैं, तो पीछे गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी, इतना धुआं था। हालाँकि उसके नाच 8 थे और ट्रैक्शन मोटर्स 5-6 पूरी थी। ट्रैक्शन मोटर्स पूरी होने के बावजूद इंजन जो है धुआं लगातार छोड़ता जा रहा था, उसकी वजह क्या थी, उसका टर्बो सुपर चार्जर जो है फेल था। तो टर्बो सुपर चार्जर जिस इंजन का ख़राब हो तो वो धड़ाधड़ जो है धुआं छोड़ता है। 8040 का टर्बो सुपर चार्जर जो है वो फेल है मेरे ख्याल में, इसी वजह से ये धुआं ज़्यादा छोड़ता है। वैसे तो हिटाची के सारे लोकोमोटिव छोड़ते हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा धुआं जो है 8040 ही छोड़ता है जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। तो इसी वजह से फिर ये मेरा फेवरेट इंजन बना हुआ है। इस तरह RG24 सीरीज़ में सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ते हैं दो इंजन, एक 5203 और एक 5217, लेकिन 5203 जो है वो हमारे सेक्शन पर आता भी नहीं है, और वो परमानेंटली जो है 5 मोटरों पर फिट है। तो मेरा फेवरेट इंजन 5217 है, जो कि इधर आता भी है और मुझे उसका विसल भी पसंद है, धुआं भी बहुत ज़्यादा छोड़ता है। तो 128 डाउन अब सनावा स्टेशन पर अरावल कर रही है, देखते हैं फिर मेरे मोस्ट फेवरेट इंजन HPU 20 8040 के साथ 128 डाउन सनावा से पास होते हुए। 128 डाउन अब सनावा स्टेशन पर रुकी हुई है। वैसे इसका सनावा में सिर्फ 1 मिनट का स्टॉप है, लेकिन अभी 2 मिनट होने वाले हैं, ट्रेन रुकी हुई है। जिस स्टेशन पर चाहे 1 मिनट का स्टॉप भी हो, अगर मुसाफिर ज़्यादा हो तो फिर ट्रेन 10-10 मिनट भी रुक जाती है। तो इसी वजह से मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में कहा है कि जिन स्टेशनों पर स्टॉप कम है तो उसके स्टॉप जो है वो बढ़ाने चाहिए। जैसे आप सनाओ में 1 मिनट का स्टॉप है तो इसका 2-3 मिनट का करना चाहिए, क्योंकि आगे
अब ये बौद्ध तक तो ट्रेन सही जाएगी, बौद्ध के आगे फिर ये 35-40 मिनट जो है रुक जाएगी ट्रेन, ठीक है 1-9 आपके क्रॉस के लिए। वो 35-40 मिनट उधर ज़ाया हो जाते हैं, उससे अच्छा जहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है वहाँ का 3-4 मिनट का स्टॉप कर दें ताकि मुसाफिर ईजीली ट्रेन पर सवार हो सकें और उतर भी सकें। तो हो सकता है कि ऐसी कोई हिकमत अमली पाकिस्तान रेलवे करे, क्योंकि वैसे भी ट्रेन का टाइम जो है 35-40 मिनट्स बौद्ध स्टेशन पर ज़ाया होते हैं 1-8 डाउन के। डिपार्चर भी स्लो गया है 80-40 का, बहुत ही स्लो भी सल है, सुनाई नहीं दिया इतना, वीडियो में नहीं आया होगा। तो 1-8 डाउन का डिपार्चर हो गया, ये धुआं चेक करें, सी 40 बहुत ज़्यादा धुआं छोड़ता है, मैंने इसकी वीडियो पहले स्पेशली अपलोड की हुई है धुएँ की।